हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द डाउट सेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 15। जितने जितने लोगों ने मुझे डाउट भेजे हैं, मैं सिर्फ उनके ही डाउट्स लूँगी। इसके बाद मैं किसी के डाउट्स नहीं लूँगी, बिकॉज मैंने आपको बोला था मुझे आज आज डाउट्स भेज देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा पूछा है कि कुछ क्वेश्चंस ये बताओ उसमें से कौन से चीज़ें होने की इक्वल चांसेस है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। एक बात बताओ, एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है, क्या कार स्टार्ट होने और ना होने की चांसेस इक्वल है? नहीं। अगर कार खराब है तो ही वो चालू नहीं होगी, वरना तो वो हमेशा चालू होगी। मतलब यहाँ पे कार स्टार्ट होने की और नहीं होने की चांसेस इक्वली नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब ये होना या ये होना, दोनों चांसेस बहुत इक्वली पॉसिबल है। ठीक है, अब सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में वो बास्केट डाल रहा है। अब एक बात बताओ, क्या हर बार ऐसा ज़रूरी है कि एक बार बास्केट होगा एक बार नहीं होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा? क्या दोनों इक्वली होने की चांसेस है? नहीं, क्योंकि बास्केटबॉल के अंदर और भी सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करती है। कितने सारे प्लेयर्स बीच में खड़े रहते हैं, तो हो सकता है कभी गोल हो कभी ना भी, और कभी हो ही ना, जीरो गोल्स भी हो। तो इस वजह से ये भी सेकेंड वाला भी इक्वली लाइकली नहीं है। ट्रायल एक क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, उसका आंसर या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यार ये इक्वली लाइकली है कि हाँ, इसके आने की चांसेस भी हाफ है, इसके आने की चांसेस भी हाफ है। तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस में कि या फिर ट्रू आंसर होगा या फिर फॉल्स होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 इक्वली लाइकली है। बेबी बॉर्न होने वाला है, बेबी या फिर गर्ल बॉर्न हो सकती है या फिर बॉय, इसके बीच में और कोई चांसेस नहीं है, राइट? मतलब या फिर गर्ल आएगी या फिर बॉय आएगी, राइट? अब इसका तो बोलते हैं ना, ये दोनों की चांसेस भी क्या है, हाफ हाफ। मतलब ये भी इक्वली लाइकली है। ये दोनों ऐसे देखा जाए, तुम लोग एक बार सोचोगे तो तुमको लगेगा इक्वली लाइकली है, बट ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी है जिस वजह से वो दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे किसी ने पूछा था कि कॉइन को टॉस करना, किसी भी गेम में कॉइन टॉस करने को कॉइन के द्वारा क्यों गेम डिसाइड किया जाता है कि कैसे स्टार्ट होगा? क्योंकि समझो, कॉइन में है ना, हेड आने की चांसेस भी हाफ है और टेल आने की चांसेस भी हाफ है। तो उस वजह से ये जो आउटकम्स है वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इसीलिए कोई भी गेम को स्टार्ट करने से पहले कॉइन टॉस किया जाता है, क्योंकि कॉइन्स के जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था, एक पिगी बैंक है, उसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपये के 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपये के 20 कॉइन्स हैं, 5 रुपये के 10 कॉइन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 180 कॉइन्स हो गए। पूछा है कि 50 पैसे के कॉइन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या हो जाएगा, 100, 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100, और टोटल कितने हैं, 180। तो 100/180 और विल नॉट बी 5, मतलब 5 नहीं आने चाहिए, मतलब ये नहीं आने चाहिए, मतलब ये तीनों में से कोई भी आएगा तो चलेगा। मतलब 100+50+20 मतलब 170। तो 170/180, 5 नहीं आना चाहिए, मतलब ये 10 कॉइन नहीं आने चाहिए, उसके अलावा 170 में से कोई भी आएगा तो चलेगा। इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 170/180। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डाउट्स तो मेरे को नहीं लगता आने चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है ये वाले। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं पीछे आंसर्स भी, पीछे आंसर्स ठीक है, राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एक ये बोर्ड दिया गया है, उस बोर्ड के अंदर क्या है, इस तरह से डिविजन्स है और 8 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको स्पिन किया जाता है और एक जगह ये स्टॉप होता है। तो पूछ रहे हैं बताओ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल 8 नंबर है तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। ऑड नंबर्स कौन से, 1, 3, 5 और 7, तो ये हो गया 4/8। अ नंबर ग्रेटर देन टू मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 नंबर, तो 6/8। अ नंबर लेस देन 9 से छोटे, सारे नंबर 9 से छोटे ही हैं, मतलब 8/8। इसमें आई गेस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, जिसको भी डाउट था क्लियर हो गया होगा आई गेस। आगे 20 लॉट में से 4 डिफेक्टिव है, मतलब 16 अच्छे हैं बल्ब और 4 बल्ब डिफेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट में डाउट था कि अगर एक बल्ब निकाला गया और वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। मेरी बात समझना,
टोटल 20 बल्ब्स थे, 20 बल्ब में से 16 डिफेक्टिव नहीं है, 4 डिफेक्टिव है, एक बल्ब निकाला गया जो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब अब कितने बल्ब बचे जो डिफेक्टिव नहीं है, 15। ये एक बल्ब जो निकाला गया ना, इसको वापस बैग के अंदर नहीं डाला गया, मतलब अब टोटल तेरे पास बल्ब्स कितने हैं, 15 + 4 = 19। तो अब टोटल में कितना आ जाएगा, 19। क्यों? क्योंकि जो एक बल्ब निकाला गया उसको वापस अंदर नहीं डाला गया। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी कि डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, पहले डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, मतलब अच्छे बल्ब आए, पहले अच्छे बल्ब कितने थे, 16, बट एक निकालने के बाद अच्छे बल्ब कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे 15/19 प्रोबेबिलिटी आएगी, 16/20 नहीं, दोनों में से एक एक कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल में से भी एक कम हो गया और डिफेक्ट जो अच्छा वाला था उसमें से भी एक कम आ गया। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 15/19। ओके स्टूडेंट्स, किसी को डाउट हो तो मुझे वापस बोल देना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में ऐसा बोला है कि डिस्क्स है, डिस्क पे 1 से 90 तक नंबर्स लिखे गए हैं, पर प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2-डिजिट नंबर आए। 2-डिजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 10 से चालू होते हैं 90 तक, मतलब टोटल कितने नंबर होंगे, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 नंबर ऐसे हैं जो 1-डिजिट है, मतलब टोटल 81 अपन नंबर ऐसे हैं जो 2-डिजिट है, तो 81/90, इसको कट कर दो तो 9/10 आंसर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर, 1 से लेके 90 में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25 आता है, 36 आता है, 49 आता है, 64 आता है और 81 आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 नंबर ऐसे हैं जिस जो परफेक्ट स्क्वायर इसके 90 तक में बीच में आते हैं, तो 9/90 कट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ओके, अ नंबर डिविजिबल 5, कितने नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, तो करके देखो 95 की टेबल में कितनी बार जाता है, 18 बार। तो 18 नंबर ऐसे होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो 18/90। बहुत ज़्यादा इजी, आई होप अब किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। ओके चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये ऐसा एक टेबल है, इस टेबल के अंदर ये सर्कल है, बोल रहे हैं अगर डाइस फेंका जाए तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये डाइस इस सर्कल के अंदर है। तो मैंने समझाया था ना, पहले इसका एरिया निकालो टेबल का, टेबल का एरिया क्या है, 3 × 2 = 6, और ये सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 × r। डायामीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5, तो 0.5 × 0.5, बस इसको मल्टीप्लाई करो जो भी आंसर आएगा, तो सर्कल का एरिया डिवाइड बाय जो पूरे टेबल का एरिया है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 मुझे तुम लोगों को समझाना है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ रुपी, एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 बार। 3 बार जब भी टॉस किया जाता है ना, तो आपके आउटकम्स देखो क्या क्या आते हैं। ठीक है, 3 बार टॉस किया गया है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं अगर तीनों बार सेम आउटकम्स आएगा तो हम जीतेंगे, और तीनों बार अलग अलग या फिर एक भी अलग आउटकम आएगा तो हम हारेंगे। 3 बार कॉइन टॉस किया गया है, तो या फिर हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल 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 हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल टेल हो सकता है। तो टोटल 8 आउटकम्स है अगर 3 कॉइन टॉस किए जाए, मतलब नीचे 8 आएगा। ऐसा बोला गया अगर सेम तीनों बार सेम आएंगे तो हम जीतेंगे। तीनों बार सेम किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, मतलब 2 ऐसे आउटकम है जिसमें तीनों बार कॉइन्स में सेम चीज़ आ रही है, हेड 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 टेल टेल टेल, तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/8। पर यहाँ पे क्या पूछा है कि वो जीतना नहीं चाहिए, वो हारना चाहिए, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/8, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/8, क्योंकि 6 ऐसे आउटकम है जिसमें वो क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 6/8। ओके स्टूडेंट्स, और डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब देखो जब भी डाइस 2 बार फेंका जाए ना, तो हमेशा तुम्हारे आउटकम्स देखो क्या हो सकते हैं, 1 1 ऐसे लिख देना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या क्या तुम्हारे आउटकम आ सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 वापस, अब यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, यहाँ पे 6 1 6 2
6364 6566, बस तुम लोगों को इस तरह से ही लिखना है। अब इसमें देखो क्या पूछा गया, फाइव विल नॉट कम अप इन ईदर टाइम्स, फाइव कभी नहीं आना चाहिए। देखो फाइव कहाँ पे कहाँ पे आता है, ये वाली लाइन में पूरा फाइव आएगा और ये वाली लाइन में पूरा फाइव आएगा, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 बार फाइव आता है। तो मतलब टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 × 6 36 आउटकम है। तो 11/36 टाइम क्या फाइव कभी नहीं आएगा, 11/36 कैसे समझ आए ना, इस वाली लाइन में फाइव हमेशा आएगा, इस वाली लाइन में फाइव हमेशा आएगा। तो टोटल कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 + 6 12 होता है, बट ये यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे 11 लेना, ठीक है। 11 नंबर ऐसे हैं 36 में से जिसमें 5 आता है, तो 11/36 ऐसे हैं जिसमें 5 आता है। और क्या पूछा है, 5 विल नॉट कम, अगर 5 आने की चांसेस 11/36 है तो 5 नहीं आने की चांसेस क्या हो जाएगी, 25/36। कैसे 25/36, 1 − 11/36, ये 36 यहाँ पे चला जाएगा, तो 25/36, 36 − 11 तो कितना आ जाएगा, 25/36। एक बार वापस समझ लो मैंने क्या बोला, इस पूरी लाइन में फाइव आता है, इस पूरी लाइन में फाइव आता है, टोटल 11 नंबर्स 11 आउटकम ऐसे हैं जिसमें फाइव आता है। तो अगर और टोटल कितने आउटकम्स हैं, 36, 36 में से 11 में फाइव आता है, मतलब 25 में फाइव नहीं आता है, तो फाइव नहीं आने के चांसेस क्या हो जाएगी, 25/36, और फाइव आने की चांसेस क्या हो जाएगी, 11/36। बहुत ज़्यादा ईजी, आई होप आप लोगों को इसमें से किसी को डाउट ना हो। ये तुम्हारा सेम एग्जाम्पल नंबर 13 जैसा हो गया, एग्जाम्पल नंबर अब 13 आप लोग खुद से ट्राई करोगे, उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बोल देना, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे ही तुम लोगों का चैप्टर फिनिश होता है, यहाँ पे अपना आप सिर्फ क्या बाकी रहा, अपन लोगों की सिर्फ ऑप्शनल एक्सरसाइज बाकी रही, वो अपन लोग क्लास में ही करेंगे, ऐसे कुछ है नहीं ऑप्शनल में, बट मैं सारे ऑप्शनल लास्ट में एग्जाम क्लास में ही करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ओके स्टूडेंट्स।